के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मोबाइल सिम पर जो लोन लिया जाता है उसमें जो पैसे वगैरह लिए जाते हैं, टैक्स भी काटा जाता है, कुछ कटौती वगैरह और भी होती है, क्या ये सूद है या नहीं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है जी। अगर तो ये सर्विसेज के अगेंस्ट वो पैसे ले रहे हैं ना आपसे एक्स्ट्रा, तो फिर तो सूद कोई नहीं है। अच्छा जी। और अगर आपको ये वो पेनल्टी डाल रहे हैं उधार लेने की, फिर सूद है। अब ये कंपनी खुद फैसला करेगी। ठीक है, ठीक है। जिस तरह के एटीएम कार्ड के भी हम चार्जेस देते हैं, ठीक है ना, तो ये फैसला उस नियत के ऊपर होगा कि जिस नियत के ऊपर उन्होंने मामलात को लॉन्च किया हुआ है। बाकी हम आपको ये मशवरा देंगे जो मौला हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, जामिया तिर्मिजी में हदीस है कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी थी कि हसन जो चीज़ तुझे शक में डाल दे उससे पीछे हट जा। ठीक। तो इतनी कौन सी तकलीफ है कि आप उधार मंगवा लें? वो कहते हैं जी बहुत कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो जाती है तो उसमें तो भाई खंजीर खाना भी जवाज की हद तक एज ए लास्ट रिजॉर्ट जायज हो जाता है, हलाल नहीं जायज, कि उसके ऊपर गिरफ्त ना हो। तो वो फिर अगर कोई ऐसी जिंदगी मौत की कश्मकश बन गई है कि आपको किसी ने घेर लिया और आपने उधार मंगवा के ही बात कर रही है, तो फिर तो ठीक है। नहीं, वो जो गिरेगा कोई जरूरत नहीं है, अभी खाम खाम जो गिरेगा वो फिर उधार भी नहीं मंगाने देगा। हाँ, उधार भी लेने देगा, सही गल है।